राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की महत्वपूर्ण बैठक सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दरअसल बैठक के बाद सीएम साय ने कहा कि साल में एक बार बैठक होती है और इस बैठक में नक्सलवाद पर विस्तृत चर्चा भी हुई है। जो भी नक्सल पीड़ित क्षेत्र है वहां पर जो विकास के काम हो रहे हैं, सभी अधिकारियों ने अपना प्रगति रिपोर्ट रखी है। इसके आगे सीएम साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में देश के गृह मंत्री ने प्रदेश में आकर बैठक ली थी और मार्गदर्शन का हौसला भी बढ़ाया था। इसके तहत ही उन्होंने कहा कि हम लोगों तक विकास पहुंचाना चाहते हैं, नक्सली क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी समेत किसी और संसाधन की कमी ना हो, इसका भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज यूनिफाइड कमांड का बैठक था और सामान्यतः साल में एक बार बैठक होता है और इस बैठक में हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित थे, प्रदेश के सीएस, ACS होम, DGP सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे, विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे और नक्सलवाद पर आज विस्तृत चर्चा हुई। सभी विभाग जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र हैं वहाँ पर जो विकास के काम हो रहे हैं अपना प्रगति रिपोर्ट रखे और हम लोग को सरकार में आए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है और उस क्षेत्र में लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित करके और नियत नेलानार योजना का शुरुआत करके लोगों तक सरकार की जो योजना है उसको पहुंचा रहे हैं।